छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं आज आप लोगों से है वो संवाद करूंगा, बातचीत करूंगा। मेरे जो साथी भाई थे उन्होंने ये बात बताई कि आसपास के लोग कैसे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीवन के अंदर सफल होने के लिए। हर व्यक्ति उससे परेशान रहता है और विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन के अंदर, विद्यार्थी जीवन के अंदर आदमी जब जो एक युवा होता है वो जोश से भरा हुआ होता है और उसको थोड़ी सी बात कोई भी बोल देता है तो उसको बड़ी ऐसे यूं भारी लगती है। तो एक बार एक युवा था और भगवान महात्मा बुद्ध के पास गया और भगवान महात्मा बुद्ध को पूछा कि मैं कैसा आदमी हूं, मेरा मूल्य क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। तो भगवान बुद्ध ने उनके पास एक छोटा सा पत्थर पड़ा था वो उठा के उनके हाथ में दे दिया और कहा जाओ इसको बाजार के अंदर लेके चले जाओ, इसको बेचना मत, बस जो भी आपको सामने मिले उससे पूछ लेना कि इसका मूल्य क्या है। तो वो गए, सबसे पहले संतरे वाले के पास गया। संतरे वाले ने पत्थर हाथ में लिया, देखा और कहा कि इसके मैं 2 किलो संतरे दे दूंगा। उसने कहा चलो ठीक है। उसने संतरे खरीदे नहीं क्योंकि गुरु ने कहा था कि इसको बेच के नहीं आना है, बस तेरे को सिर्फ इसका मूल्य पूछना है। थोड़ा सा आगे गया, एक आलू वाला मिला, उसने देखा, उसने कहा कि 2 क्विंटल आलू दे दूंगा, दे दे। उसने कहा नहीं। थोड़ा सा और आगे गया, उसको एक सुनार मिला, सुनार के पास उसने पत्थर दिया तो सुनार ने उसको बोला कि 50 लाख रुपए दे दूंगा, मेरे को ये पत्थर दे दे। उसने कहा नहीं, बेचूंगा नहीं मैं। थोड़ी सी जैसे ही उठ के चलने लगा तो सुनार ने कहा 5 करोड़ रुपए दे दूंगा। उसने कहा नहीं, बेचूंगा तो नहीं। थोड़ा सा और आगे गए, एक हीरे का जानकार जोहरी मिला उसको। जैसे ही उसने जोहरी को पत्थर दिखाया और कहा ये पत्थर मेरे को इसका मूल्य जानना है और इसको बेचना है मेरे को, जोहरी ने हाथ में पत्थर लिया, उसको रखा, उसके चारों तरफ फेरी लगाई, हाथ जोड़ा और बोला कि 50 करोड़ रुपए। उसने कहा नहीं। जोहरी ने उसको बोला कि ये पत्थर बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, तू कह रहा है तो मैं कीमत लगा रहा हूं लेकिन मेरी औकात नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है इस पत्थर की कीमत लगाने। वो पत्थर लेके और वापस जब भगवान बुद्ध के पास आया तो भगवान बुद्ध ने उसको समझाया कि इस दुनिया के अंदर तेरी कीमत क्या है वो हर व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के हिसाब से लगाएंगे। किसका कितना ज्ञान है, किसको कितनी जानकारी है, और तुम हमेशा लोग तुम्हारी कीमत लगाते हैं और उसके आधार पर परेशान होते रहते हो। अपने आप को आपने कभी जाना ही नहीं जी। तो जीवन के अंदर खुद को जानो। आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, गांव वाले क्या बोल रहे हैं, आपके दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आपका अंदाजा लगाते हैं। हम में से अधिकतर लोग बस उनके लगाए हुए अंदाजे के आधार पर ही जीवन में हार जाते हैं। गांव में पिंपड़ के गट्टे पर बैठो बैठो की कही दे, कही दे नहीं की भी बिल्कुल। इसलिए किसको कौन सी चीज किसके दिल पे कहां पर चोट कर जाए, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा उसको सकारात्मक लेना चाहिए। और वो चोट जीवन में आदमी को कहां पहुंचा दे यदि आपने सकारात्मक ली है तो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी में आपको परिस्थितियों के बारे में और बताऊंगा। एक लड़की थी और ऐसे गांव वाले ऐसे बोलते रहते थे, सब आड़ोसी पड़ोसी घर वाले, बहुत विषम परिस्थिति के अंदर थी। वो अपने पिताजी के पास गई
और पिताजी को बोले कि पिताजी मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, सभी ऐसे बोलते रहते हैं ये है वो है, मैं जीवन में कहीं पर भी सफल नहीं हो सकती। तो उनके पिताजी थे वो शेफ थे, यानी कुक थे, खाना बनाने वाले थे। वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा आजा रसोई में आजा मेरे साथ। तो रसोई में गई, दो बर्तन पड़े थे, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ था। एक बर्तन के अंदर आलू डाल दिया और एक जो बर्तन है उसके अंदर कुछ कॉफी के बीज डाल दिए। दोनों को खूब सारा गर्म किया। तो गर्म करने के बाद में जो आलू था, जब गर्म हुआ तो उसके बाद में बाहर रखा और बोला कि अब इनके हाथ लगा। तो जो आलू था वो तो एकदम कच्चा हो गया, और जो कॉफी के बीज थे उन्होंने अपनी जो सुगंध है वो चारों तरफ बिखेर दी। वो लड़की फिर भी समझ नहीं पाई, उसने अपने पिताजी से पूछा कि ये क्या हुआ। तो पिताजी ने कहा कि देखो परिस्थितियां दोनों के सामने एक जैसी थी, स्थिति एक जैसी थी, पानी गर्म था, लेकिन जिन्होंने इस कठिन परिस्थितियों को झेल लिया तो उन्होंने परिस्थितियों को ही बदल दिया। जो कॉफी थी बिल्कुल वो सुगंधित हो गई, पानी कितना भी गर्म हुआ तो गर्म पानी के साथ ही उन्होंने अपने आप को है उसी हिसाब से बदल लिया और वो दुनिया का पेय पदार्थ बन गई। और आलू क्या हो गया? खराब हो गया। तो कितनी भी जीवन के अंदर जटिल परिस्थिति आए, अपने को उस परिस्थिति के अंदर हारना नहीं। ये दो छोटी छोटी कहानियां मैंने इसलिए आपको बताई कि मेरे पास जितने भी फोन आते हैं या जितने भी कॉल आते हैं तो सब यही कहते हैं कि साहब परिस्थितियां बहुत ही जटिल है या परिस्थितियां अकॉर्डिंग नहीं है। तो जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं वहां पर परिस्थितियां कभी आपके अनुकूल नहीं होगी, परिस्थितियां हमेशा आपके प्रतिकूल ही होगी। आपको झुकना पड़ेगा और परिस्थितियों को आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और परिस्थितियों को आपके अनुसार ढालने के लिए जीवन में एक ही रास्ता है और वो है मेहनत। इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है मेहनत के अलावा। कुछ भी गलत कदम उठाओगे हो सकता है कि आपको तात्कालिक सहायता मिल जाए, कुछ सफलता मिल जाए, लेकिन अंततः आपको हारना ही पड़ेगा। जांबोजी ने भी कहा था कि आप जो ये भूत प्रेत है इनको आप बहुत सी पूजा करोगे तो हो सकता है कि तात्कालिक आपको सहायता मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, लेकिन जिया ने जुगती और मुआ ने मुक्ति है वो यदि आप सही रास्ते पे चलोगे तो ही मिलेगा। हम सब एक जीवन है उसकी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं। ये जो जीवन रूपी रेस है इसका कहीं अंतिम या कोई फिनिश पॉइंट नहीं है कि जो तेज दौड़ेगा वो इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा और वो जीत जाएगा। इसमें कोई जीतता नहीं है और कोई हारता नहीं है, बस मानव है। ऋग्वेद में भी कहा गया है चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कभी रुको मत। बस यही हमारा जीवन है, इसमें रुकना नहीं है, हमें हमेशा आगे चलते रहना है। हम रुक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, एक परीक्षा में फेल किया हुआ ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी समाप्त हो गई। अरे भाई समाप्त नहीं हुई है, बहुत बार असफल होते हैं और हमेशा ही असफल होते हैं। असफलता तो सफलता की कड़ी है, असफल हुए हो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप चले हो, तो कुछ ना कुछ तो आपने सीखा है। रुकना नहीं है कभी जीवन के अंदर, चलते रहना है हमेशा।